आप देख रहे हैं आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल वीडियो से चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दें। तो चलते हैं आज की वीडियो, वीडियो जी बड़ा शेर चौधरी पर अटैक हुआ, शेर चौधरी लाइफ इन डेंजर, पाक मीडिया कराएंगे। तो सबसे पहले हम इस अमल को कंडम करते हैं जो उस पर अटैक किया गया है। एक सच्चा बंदा, एक सच्चा काम करने वाले को ये माशा नहीं चाहिए। तो खैर फिर देखते हैं वीडियो क्या हुआ, पूरी वीडियो पार्ट टू है इसका। जिस दिन इंडिया हमारे तरफ मैली आंख से देखे और हमारे जवान शेर इंशाल्लाह उनकी मैली आंख का बदला लेंगे। आप जलाएं और मैं अपने इदारों को ये चीज दिखाऊं। मैं अपने इदारों से रिक्वेस्ट करता हूं मुझे भी बुलाया जाए पहलावे में। तहरीक कब शुरू हुई? तहरीक कब शुरू हुई बलोचिस्तान? मुझे बताओ बलोचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा कब बना? बलोचिस्तान जो थी रियासत वो थी वो 1947 में या 48 में वो रजाकराना तौर पे पाकिस्तान में जो है वो आपको सुबह का बना। सो अच्छा मुझे नहीं पता आप ठीक है, आप बलोचिस्तान हो गए हैं? नहीं नहीं, जवाब जवाब नहीं आया। आप बताएं सुबह का बना पंजाब बलोचिस्तान, बलोचिस्तान सुबह का बना? मुझे टच नहीं करना, डोंट टच। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है अल्हम्दुलिल्लाह। इन्हें ये भी नहीं पता पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये कह रही है पाकिस्तान क्या कहते हैं आप ये कह रहे हैं पाकिस्तान डिस्प्यूटेड एरिया आपको पता ही नहीं है? और थोड़ी सी स्टडी करके आओ। ये भाई कह रहे हैं बलोचिस्तान में सब हो रही है। एक मिनट कैसे ठीक हो रहा है बलोचिस्तान में? मुझे एक इसको छोड़ो। अच्छा आप ये देखें थंबनेल नहीं, ये देखें इंडिया, मुझे इसका पॉइंट बताएं आप। अच्छा आप ये बताएं पाकिस्तान में डेवलपमेंट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए आलम। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, मैं इस बंदे की 10 वीडियोस या 10 बातें झूठ पे साबित करूंगा। और ये मेरी एक बात भी झूठ साबित कर दे तो मैं अपना चैनल डिलीट करूंगा। क्या इसमें इतनी हिम्मत है कि ये अपने झूठ का सामना करे? मेरे में इतनी हिम्मत है कि मैं अपने झूठ का सामना करूंगा? भागने नहीं दूंगा। यहाँ पे मुझे बताएं क्या नाम है, ये देखें एडवाइजर को हाथ ना लगाए, हाथ ना लगाए। पाकिस्तान में ऐसे जो भेड़िए हैं जो पाकिस्तान का इमेज खराब कर रहे हैं, पाकिस्तान को एजुकेशन की बात नहीं करेंगे, हेल्थ की बात नहीं करेंगे, डेवलपमेंट की बात नहीं करेंगे, ये लोग हमेशा प्रोपोगंडा करेंगे। और इस प्रोपोगंडा को मैं एक्सपोज करूंगा चाहे मुझे जितना भी दबाया जाए। अब मैं ये मिशन प्रॉपर स्टार्ट करूंगा, पाकिस्तान जिंदाबाद। फिर मैं ये भी क्लियर कर दूं कि ये वीडियो एडिट करके चलाएगा, पूरी वीडियो नहीं चलाएगा, लेकिन मेरे चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी पे जरूर ये करिएगा। अब मैंने प्रोग्राम हो प्रोग्राम हो गया। आपका शख्स है जो पाकिस्तान के जो है एंटी स्टेट काम करता है और आप अनएथिकल बात ना करें, आप अनएथिकल ना बात करें। ये चीजें जब तक ये चीजें होंगी पूछता है काइंडली, अगर जब जवाब नहीं है भागो नहीं, भागने नहीं दूंगा। सर ये मेरा प्रोड्यूसर आपको लोकेशन बता रहा है, ये लोकेशन लिखवा दें। डाला आ रहा है जब जवाब नहीं डाला आ रहा है, डाले पे भी बैठेंगे। आपने किसी को डिफेम करना हो मजहब का नाम ले लो, आपने किसी को डिफेम करना हो आप इंडिया के साथ जोड़ दो कि इंडिया का एजेंट कह दो, पाकिस्तान के जज्बात के साथ खेला जाएगा। लेकिन ठीक है ऐसे ही इश्यूज हैं के लिए जो है ना ये बात कर रहे हैं इस तरह, मगर ये बिल्कुल आप पाकिस्तान में रहते हैं, आप अपने पाकिस्तान को सपोर्ट करें। पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा सामने लेके आए, खुदा का नाम है, सच बोले खुदा का नाम है। आप हाँ बलोचिस्तान के ऊपर तो आपके पास बात करने के लिए। अच्छा ये बताएं मणिपुर वाक्य के बताओ, कराची में जो मंदिर डिमोलिश हुआ उसके ऊपर कितनी पाकिस्तान का मंदिर था ना, कितनी? मुझे नहीं पता, मुझे पता ही नहीं। फिर आप किस बात के जर्नल, आपको उसकी वीयरशिप, आपको स्टॉकर के इंटरव्यू करते रहे उसके बाद आप किसने फरोज खवातीन से मार खाते रहे? एविडेंस दे दूं, आपके सबका जो वहाँ के जो डिजिटल के कंटेंट हेड थे अगर वो बताएं कि इसने क्या क्या किया हुआ है। मैं ये ओपनली कहता हूँ जो काम ये आज कर रहे हैं वो मैं 4 साल पहले करके छोड़ चुका हूँ। और फिर इनके ऊपर मोबाइल चोरी का इल्जाम लगा, ये एक जगह पे इंटरव्यू करने के वहाँ से शायद मोबाइल उठा लाए, आपके चैनल के ऊपर मैंने मौजूद है, मैं अभी आप लगाइएगा आप इसके ऊपर मोबाइल चोरी का इल्जाम है नहीं है आपकी टीम पे आपके ऊपर मोबाइल चोरी का इल्जाम है या नहीं, जो कराची से लड़की का इशू था? नहीं अब कुछ भी मोबाइल चोरी करने वाला इंसान यहाँ पे आ गए जर्नलिस्ट बने का, आप उससे हट गए हैं। भाई आपको असल बात का नहीं पता, आप जो है आप अब इस बात को छोड़ दो। सर ये देखिए बलोचिस्तान में जो हो रहा है ठीक हो रहा है, बलोचिस्तान में जो हो रहा है बलोचिस्तान में बुरा हो रहा है।
शर्म करिए, शर्म करें चाचू। इंडिया का एलिमेंट जोड़ा जाएगा कि भाई इंडिया में क्या घर में सोल्व करेंगे, जब घर में सोल्व नहीं होगा बाहर भी जाना। ये भाई इंडिया को दिखाने के लिए, अब आपको मैं समझा नहीं सकता क्योंकि आप डिजिटल यहाँ बंदे, ये निगरान हुकूमत है, उन्हें ये सेफ्टी दे रही है, ये सारा काम खराब कर। बात पूरी होने दें, मुझे बताएं पाकिस्तान जो हालात हैं, यहाँ पे जो डेवलपमेंट हो रही है, क्या आप मुतमिन नहीं से? नहीं, गलत है, गलत है। और कौन सा मैंने इस वीडियो का सामने ये लगाना है कि मोबाइल चोरी करने वाला इंसान आज जर्नलिस्ट बना है, और व्यूज की खातिर, कुछ लोगों की खातिर जो है, कुछ लोगों के कहने पे आके ये कंटेंट इंडियन देखते हैं। गलत बात नहीं, कोई बात नहीं, मालूम बात होनी चाहिए। अच्छा मुझे बताएं अंकल जी, इंडिया से रिलेशन बेहतर जाते हैं या खराब जाते हैं? वो तो खराब जाएगा, वो हमें कभी नहीं। अभी हम इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर होने चाहिए, होने चाहिए, ये चीज है। शर्म करो, शर्म करो। ये जितने भी लोग इधर खड़े हैं, मैं यकीन मानो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, यहाँ सिंधी हमारे भाई हैं, बच्ची भी, सिंधी भी, सारे भाई हैं, बिल्कुल है। अगर कोई सिर्फ नफरत फैलाने के लिए इंडिया से युद्ध लेने के लिए, मैं नफरत वो नहीं बुला रहे, नफरत ये बुला रहे। चाचू को नहीं पता, चाचू को नहीं पता, ये 76-70 साल के चाचू ना, आर्मी सिर्फ एक आसिम मनीर सही हो जाए, पूरे पाकिस्तान सही हो। इस पे क्या कहना चाहेंगे ये ना, क्या कहना चाहेंगे? ये चाचू हमारे शरीफ आदमी है, और ये इन्हें वो चीज नहीं पता। मैं किसी पढ़े इधर अब जवाब नहीं देंगे, अब जवाब खत्म है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे सिपा सलार है, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उन पे पूरा यकीन है। और जिस दिन इंडिया हमारे तरफ मैली आंख से देखे, और हमारे जवान शेर इंशाल्लाह उनकी मैली आंख का बदला दिलवा देंगे। आप चलाएं, और मैं अपने इदारों को ये चीज दिखाऊंगा। मैं अपने इदारों से रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे भी बुलाया जाए। इस बंदे को ना तो नॉलेज है, ना तो स्टडी है, और इस आपकी अदालत बलोचिस्तान का क्या कहना चाहिए? आप अंकल क्या बार बता सको? नहीं, सब ठीक हो रहा है। ये भाई रियासती इदारे हैं, आप रियासती इदारे हैं, आप क्या करेंगे? आप बलोचिस्तान तो कभी गए भी नहीं, आप तो बलोचिस्तान के धरने में ही नहीं गए। मैं तो इंडिया पे रिपोर्टिंग ही नहीं कर रहा, पाकिस्तान पे अगर रिपोर्टिंग कर रहा हूँ तो आप ये कह रहे हैं इंडिया की बात क्यों? मैं एक जगह पे जब गया नहीं हूँ, मैं उसके बारे में कैसे रिपोर्टिंग करूंगा? आप बलोचिस्तान गए नहीं, आप बलोचिस्तान के बारे में कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं? सोशल मीडिया पे हर चीज आ रही है। आप इस वीडियो में लिखते हैं कि मैं फलां जगह गया नहीं। आप कश्मीर गए नहीं, आपको कश्मीर का क्या पता? मैं कश्मीर होके आया हूँ, किसने कहा? मुझे वीडियो दिखाएं कोई, आपने रिपोर्ट बहुत सी पड़ी हुई है भाई। मैं कश्मीर में अल्हम्दुलिल्लाह, अब ये देखें, ये बंदा ये कह रहा है कश्मीर में डेवलपमेंट हो रही है, और ये और पाकिस्तान का हमारा मेनस्ट्रीम मीडिया ये कह रहा है कि खंभे उखाड़ के फेंके जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, अब ये बलोचिस्तान में जो हो रहा है ठीक हो रहा है? गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। हमारे घर का मसला कौन सॉल्व करेगा? इसे दिखाएं इसका, अली यूट्यूब चैनल दिखाएं, यूट्यूब चैनल दिखाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, ये भाई कह रहे हैं बलोचिस्तान में सब हो रही है। अच्छा, एक मिनट, कैसे ठीक हो रहा है बलोचिस्तान? मुझे मुझे एक मिनट इसको छोड़ो, अच्छा आप ये देखें थंबनेल, नहीं ये देखें इंडिया, मुझे इसका पॉइंट बताएं आप। अच्छा आप ये बताएं, पाकिस्तान में डेवलपमेंट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, अच्छा इंडिया अगर डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, उसे सीखना चाहिए, समझना चाहिए कि वो कैसे जा रहा है, इसके ऊपर बात करनी चाहिए। यही चीजें है ना, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नजर आएंगे। अब मैं आपको बलोचिस्तान वाला इसका थंबनेल दिखाता हूँ, आपने भी दिखाना अभी आप थंबनेल। मेरा हर महीने में कोयटा चक्कर लगता है बलोचिस्तान, ठीक है ना? सुने ना, बात सुने उनकी, एक मिनट, अब मौका नहीं देंगे। ये देखे पब्लिक को मौका नहीं देगा, जो इसके मतलब के दो तीन लोग हैं यहाँ पे जो ये साथ लेके आए हैं, उनके ऊपर बात की जाएगी। यार ये फ्रॉड है, ये सोशल मीडिया है, ये सोशल मीडिया है, ये सोशल मीडिया है। मैं पब्लिक की ओपिनियन ले रहा हूँ। अच्छा इनका इनका चैनल देखें, अगर हम लोग अपनी पाकिस्तान में इनके साथ सोचे ना, तो बलोचिस्तान में इस वक्त इतना गलत हो रहा है कि आपकी सोचनी है। बेनकाब हो गया अली, बेनकाब हो गया, और अब मैं छोड़ूंगा नहीं, अब मैं पीछे पड़ूंगा, अब मैं पीछे पड़ूंगा, तुम जैसे बेड़ियों को बेनकाब करूंगा। माओ बहनों, माओ बहनों के साथ जो ज्यादती हो रही है वो ठीक हो रही है? आप पढ़ी नहीं रहे, आप पढ़ी नहीं रहे, ये देखिए आप दे, माओ बहनों के साथ ज्यादती हो रही है? नहीं हो रही, नहीं हो रही ज्यादती, वो कह रहे हैं ज्यादती नहीं हो रही, मगर उसकी हमें इंडिया से हेल्प लेनी चाहिए। भाई कौन कह रहे हैं
इंडिया से हेल्प ले, ये झूठ बोल रहा है। और ये हमारे पास नहीं है, मैंने अब जितने भी लोग यहाँ पे मुझे मुझे ये बताएं, जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, मैं ओपनली मुझे ये देखें, मैं ये कहता हूँ, अगर मैंने किसी एक मीडिया में भी किसी मुझे अब बात करने का मौका दो ना, ऐसे ना करो बात नहीं। अगर मैं ओपनली कहता हूँ, अगर मैंने कहीं पे ही कहा हो कि भाई इंडिया से बलोचिस्तान के मामले में हेल्प लो, तो मैं गलत हूँ। मैं ये कहता हूँ कि अच्छा क्या क्या मैंने कहा वो देखें, या आपके आपने कुछ नहीं कहा, सवाल पूछा है। अच्छा अब यही चीज है कि आपने थंबनेल दिखाना है, इंडिया के नाम पे नफरत बखेरनी है। मैं ओपनली इन लोगों के दरमियान खड़े होकर कहता हूँ कि मैं इंडिया के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ, मैं इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करना चाहता हूँ और मैं करूँगा। और ये देखें, मैं ओपनली ये कहता हूँ। अच्छा अब आपके थंबनेल देखें, ये कह रहे हैं कि इनारकली में दहशतगर्द, दोनों साइड पे अब ये देखें, ये लिखा जा रहा है जी, आपका चैनल कौन सा, मैं ये देखें, मैं हमला थी और ऑपरेशन करवाने के लिए, मैं ये देखें, नहीं ये खड़ा है, अच्छा रिस्पॉन्सिबल चैनल है, मतलब कुछ भी बोलेगा, ये क्या लिखा है भाई, ये देखें, मैं हमला थी और ऑपरेशन करवाने के लिए मुझे कहा भाई, मैं सेंसिटिव टॉपिक पे, अनारकली में दहशतगर्द घुसा है, ये देखें, पिस्तौल निकालो बाहर, ओए पकड़ो इसे, ओ पटवारी, ओ एंकर, ये देखें, अब ये देखें, मैं देखती हूँ, अभी आप भी दो मिनट चुप हो जाओगे, जी जरूर, आप भी दो मिनट चुप हो जाओगे, आपका चैनल कौन सा है, मैं इन्होंने दिखा दिया, अब ये चैनल देखो, चलो ना ये तो, अब मुझे भी मौका देना, टीवी चैनल कौन सा, मुझे डैशबोर्ड दिखा दे अपने चैनल, उनके चैनल, ये देखें, ये थंबनेल है अली अली का, अली का थंबनेल है, ये देखें जी, ये देखें, ये अपना चैनल आपको नहीं, पुलिस की वर्दी में एक और शराबी अहलकार, मतलब पाकिस्तान में हर एक पकड़ा है सर, उन्होंने पकड़ा है, यानी पुलिस शराब, आपकी समझ नहीं आ रही कि बात बलोचिस्तान की हो रही है, बात बलोचिस्तान की नहीं, बुला बात इसकी जेलसी की हो रही है, बात इसके, मैं चाहता हूँ क्या आपस में बहस खत्म करो, ठीक है, बहस खत्म करना चाहते हैं, मैं ये कहता हूँ, अच्छा मेरा चैनल है, आप ये चाहते हैं, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में, जी अच्छा नकवी के बाप का पाकिस्तान है, मुझे ये बताएं, वो चाचा आप इधर भाई बलोचिस्तान में जो हो रहा है गलत हो रहा है, इधर लाए जी कैमरा मैन इधर आए, अच्छा हमें आवाज उठानी चाहिए, बिल्कुल हमारा हक है, ये देखें ये लोग हैं, मैं ऐसे लोगों को आगे लेके आऊंगा, इन लोगों को बेनकाब करूंगा, इसकी बात सुन लो, इधर नहीं, अब इधर नहीं, ये देखना इधर नहीं आएगा, अच्छा एक आर्मी चीफ पूरे मुझे ये बताएं, ईसा कादी फाइव जो है वो, अच्छा मुझे ये बताएं, एक मिनट जी, मुझे मौका देंगे कि नहीं, किसने मोदी को क्यों मार रहे, मैं नहीं, किसने कहा कि मैं मोदी, मैंने किसने कहा कि मैं, ये देखें बात को मैनिपुलेट किया जा रहा है, यही चीज है, गद्दार है मोदी का जो यार है, ये देखें अभी दो मिनट पहले ये चीजें की जा रही थी, अब ये देखें यही चीज है, लेकिन आज से मैं ये मिशन स्टार्ट करता हूँ, अब हम सड़कों पे आएंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम यहाँ पे पाकिस्तान के हवाले से जो भी गलत होगा, पाकिस्तान का इमेज खराब करने की कोशिश की जाएगी, उसके ऊपर वर्क जरूर करेंगे। मैं ओपनली ये कहता हूँ, अगर मैं कहीं पे पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहा हूँ, मुझे ब्लॉक किया जाए, मुझे डिलीट किया जाए, अगर ये बंदा पाकिस्तान के असल इश्यूज को सामने नहीं ला रहा, जहाँ पे ये नजर आए इस पे लानत भेज के इसे डिलीट किया जाए, ये मेरा पाकिस्तान का मौकफ है, ये चीजें सामने लेके आऊंगा। अच्छा ये भाई की बात तो सुने, ये बताए ना, ये देखे, हाँ ठीक है, लाए जी लाए, अब मैं कैसे मैनिपुलेट किया गया, भाई अब इन्हें सिर्फ, अब मुझे और इन्हें बोलने देना, मेरी बात सुने, आप ज्यादा एक मिनट, जी बहुत शुक्रिया, नहीं सर एक सेकंड दे दें, यही चीज है, ठीक है, अब यहाँ पे यही चीजें हैं, हाँ ठीक है ना, मेरी बात सुने, अभी जो आपने पॉइंट बोले हैं ना गलत बोले हैं, कौन से
आपको नहीं पता? मुझे एक मेरी स्टेटमेंट, मुझे एक स्टेटमेंट, आपने एक मिनट चैनल देखा, मुझे एक स्टेट, अब मुझे मौका दोगे उनसे बात करने का? बताए ना, जो आपके चैनल पे ये जो लिखे हुए हैं सारे मोदी साहब, ये कहाँ से आए हैं? देखें जी, आप कह रहे हैं कि बलोचिस्तान को इंडिया के साथ मर्ज होना चाहिए, क्यों? वाय इधर आए, आगे आए, मैं बताता हूँ। अगर मैंने ये बात की होगी तो मैं इसका जिम्मेदार हूँ। अगर मैंने ये बात नहीं की भाई, ये आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं। थंबनेल पे लिखा हुआ है, सवाल पूछ रहा हूँ, चैनल के थंबनेल पे पूछ रहा हूँ, सवाल बिल्कुल भी नहीं पूछेंगे ना, ये चीज है। अब मैं यहाँ पे जरूर ये कहना चाहूंगा, अच्छा भाई, क्योंकि इसकी वीडियो इंडिया में देखी जानी है, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा देंगे। पाकिस्तान मजहब के नाम पे और इंडिया के नाम, जो चंद व्यूज के लिए पाकिस्तान को बेचे, और जो अपने काम के लिए अपने व्यूज ना आने की वजह से पाकिस्तान का इमेज खराब करे, उसके ऊपर भी लानत है, बेशुमार लानत है। मेरे भाई मुझे ये बताओ, पाकिस्तान में डेवलपमेंट चाहते नहीं? डेवलपमेंट चाहते हैं कि नहीं चाहते? इसके ऊपर आवाज उठानी। आपका नाम क्या चैनल? मेरा नाम सुहेब है। नाम भी तो सुनाएगा ना। लड़का नाम रियल टीवी, रियल टीवी। पाकिस्तान की हेल्प करो ना, पाकिस्तान की हेल्प कर रहा हूँ। आप मेरी बात नहीं समझ रहे। यहाँ पे मैं यहाँ पे यही कहना चाहूंगा, पहले आप बात को समझो। मैं समझ चुका हूँ, आप इनकी बात नहीं समझे। मेरी एक रेडी करो, फिर इसको तोलो, फिर बात करो। मैं कहता हूँ इसने ये बात, और इसने वो वर्ड लिखे जो आपने पढ़ी है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, मैं इस बंदे की 10 वीडियोस या 10 बातें झूठ पे साबित करूंगा, और ये मेरी एक बात भी झूठ साबित कर दे तो मैं अपना चैनल डिलीट करूंगा। क्या इसमें इतनी हिम्मत है कि ये अपने झूठ का सामना करे? मेरे में इतनी हिम्मत है कि मैं अपने झूठ का सामना करूंगा? मर्द का बच्चा हूँ, शेर का बच्चा हूँ, बात से नहीं हटूंगा, बात से नहीं हटूंगा। और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद। ये देखें, यही चीजें हैं, और मुझे, मैं ये जानता हूँ कि ये पूरी वीडियो नहीं अपलोड करेगा। मैं ये बात जानता हूँ कि ये पूरी वीडियो वहाँ पे नहीं लगाएगा। ना इसने इतनी हिम्मत है, ना बलोचिस्तान के ऊपर बात करने की इतनी हिम्मत है। नो डाउट कि पाकिस्तान में जब तक डेवलपमेंट नहीं होगी, पाकिस्तान का इमेज बेहतर नहीं होगा, तब तक हम बेहतरी की तरफ नहीं जा पाएंगे। अब मैं प्रॉपर कंपेन करूंगा, इस बंदे को बेनकाब करूंगा, और ये जिसके कहने पे आया है, और इसके चैनल को ज्यादा से ज्यादा रिपोर्ट करें, और जितना हो सके मैं अब ये कहता हूं कि इस बंदे के चैनल को डिलीट करेंगे। जो ये पाकिस्तान में गंद बिखेर रहा है, पाकिस्तान का इमेज खराब कर रहा है, उसके ऊपर ठीक है। और सना अमजद जो जिसके कहने पे ये आया है, उसका अभी तक इंटरव्यू इसने अपलोड नहीं किया। बड़ी शर्म की बात है कि सना अमजद का वीडियो सिर्फ स्क्रिप्टेड वीडियो मजबूरन लगाएगा। अब मजबूर सना अमजद ने लगाया ना अपने व्यूज के लिए, अब यही बात है। अब मैं इसको बेनकाब जरूर करूंगा, मैं प्रॉपर इसके ऊपर मिशन स्टार्ट करने वाला हूँ। मैं पहले से सोच रहा था कि ऐसे भेड़िए, ऐसे जो पाकिस्तान का इमेज खराब कर रहे हैं, पाकिस्तान को ना बलोचिस्तान के ऊपर बात करने की इसकी हिम्मत है, इसे नॉलेज नहीं है, ना सिंध के ऊपर बात करने की हिम्मत है, इसके पास नॉलेज नहीं है, तो हाँ, तो आपने क्यों, हमने क्यों नहीं, आप बताएं पाकिस्तानी मिसाइल के नाम बता दें, हो गया आप ये देखे, नहीं क्यों नहीं पता, बोरी मिसाइल है, अब्दाली मिसाइल है, वीडियो दिखा दे, नाम बता दें, वीडियो दिखा दें, आप मुझे बलोचिस्तान पे वीडियो दिखा दें, मुझे कश्मीर, ओ भाई आपको नहीं, मैं आवाम को महरंग महरंग बलोच के बारे में क्या कहना चाहोगे? क्या कहना चाहूंगा? हाँ, क्या अच्छी है वो, अच्छा काम कर रही है, गलत कर रही है? अगर तो वो कर्म कर, नहीं सीधी बात करें, हक मिलना चाहिए। मेरे मुंह में अपना जवाब डाल रहे, अपने मुंह में मैं अपना नहीं डाल रहा जवाब, मैं गलत बात करो, गलत बात करूंगा, तुम्हें मैं आपके मुंह में डाल दूं, आपके मुंह में डाल दिया। अब जब जवाब नहीं मिल रहा, अगर आप वल्गैरिटी नहीं क्रिएट करें, महरंग बलोच के बारे में क्या कहना चाहूंगा? मैंने आपको बता दिया कि आप जैसे जो चंद महरंग बलोच के बारे में क्या कहना भाई, मैं गलत हूँ आप करें तो? थंबनेल पे क्या लिखा है तुमने, वो बताया क्यों? आप क्यों नहीं, आप अच्छा ये अनारकली में कब दहशतगर्द? मैं बताता हूँ ईमानदारों को दहशतगर्द क्यों? अब बात सुनोगे, अच्छा मैं आपको बताता हूँ,
यहाँ पे ऑपरेशन हुआ जब यहाँ पे इंक्रोचमेंट के खिलाफ आपको इंक्रोचमेंट वाले दहशतगर्द थे, इंक्रोचमेंट वाले दहशतगर्द पाकिस्तान के दुकानदार, पाकिस्तान को तो आप कवर नहीं कर, दहशतगर्द जवाब जवाब दोगे तो आपने इंक्रोचमेंट कवर की आपने, भाई हर एक अपना यौन रहा, मैं इंटरनेशनल लेवल पे बात कर रहा हूँ, आप इधर इंटरनेशनल का मतलब क्या इंडिया, अच्छा मैंने अफगानिस्तान के ऊपर कितनी वीडियो, उसमें चाइना के ऊपर, अगर उसमें इंडिया, मैंने भाई हम लिंक करते हैं ना हमारा कंटेंट, क्यों लिंक करते पाकिस्तान से, क्यों नहीं लिंक करते पाकिस्तान में, मैं पाकिस्तान का जर्नलिस्ट, मैं पाकिस्तान में बैठा काम कर रहा हूँ, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया मुझे आज, अब ये बंदा मान गया आज आखिरकार, ये बंदा पहले बिल्कुल उस तरीके से लोगों को बेनकाब करने, ठीक है ये प्रोग्राम हम आपकी अदालत में रख देंगे, ठीक हो गया इंशाल्लाह ताला, जो मोहतरमा का ये नाम ले रहे हैं सना अमजद, हमने उनको कल एक्सपोज, वो मोहतरमा और मैं तुम यही चीज है, अब इसी उसी मोहतरमा सना अमजद के साथ इसकी प्राइवेट फोटोज दिखाऊंगा, उसी मोहतरमा सना अमजद जो इसकी कुलीग है जिसके कहने पे ये आया है उसके साथ आपकी फोटोज दिखाऊंगा, और मैं ये मिशन स्टार्ट करने वाला हूँ, इस बंदे को अगर मैंने झूठा साबित ना किया तो मेरे में इतनी हिम्मत है अपना चैनल डिलीट करूं, आप में इतनी हिम्मत है आपने जो झूठ बोले हैं उसका, कैमरा 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 कैमरा, अच्छा ये कैमरा का क्या मतलब, मुझे आपको तो नहीं पता होगा, अच्छा पता होगा, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई ऐसे जो लोग हैं जो पाकिस्तान का इमेज खराब करते हैं, जो पाकिस्तान के अदारों का इमेज खराब करते हैं, जो पाकिस्तान की पब्लिक को मैनिपुलेट करते हैं, नफरतें पैदा करते हैं, इन्होंने एजुकेशन की बात नहीं करनी, इन्होंने हेल्थ की बात नहीं करनी, इन्होंने डेवलपमेंट की बात नहीं करनी, इन्होंने अच्छा पाकिस्तान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर का क्या, मुझे नहीं पता, शर्म आनी चाहिए आप तो पाकिस्तान का इंफॉर्मेशन का मिनिस्टर का पता नहीं, आपको डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर में काम कर रहा हूं, आपको डिप्टी फॉरेन मुझे पता, मैं इंफॉर्मेशन, ये देखें पाकिस्तान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर का नहीं पता और ये पाकिस्तान के ये कर रहे हैं, इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँ कि भाई ऐसे लोग जो एजुकेशन की बात कर रहे हैं, एडवाइजर ऑफ प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है, एडवाइजर एडवाइजर ऑफ बलोचिस्तान, मुझे बताएं एडवाइजर ऑफ बलोचिस्तान, आप बताएं बलोचिस्तान के, यही चीजें हैं, इनके पास कोई जवाब नहीं होगा, यही चीजें हैं इनके पास कोई, जी जी आप बताएं प्रोड्यूसर साहब, गवर्नर एडवाइजर भागने नहीं दूंगा, यहाँ पे मुझे बताएं क्या नाम है, ये देखें एडवाइजर का क्या नाम है, कैमरे को हाथ ना लगाएं, माइक को हाथ ना लगाएं, वो ये देखें यहाँ, अच्छा अच्छा आपके पास सवालों के जवाब नहीं है, मैं नहीं दूंगा, प्रोग्राम आज इख्तिताम नहीं हुआ, काम नहीं, बताएं बलोचिस्तान के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप, इधर आए बताता हूँ, हाँ बलोचि मुझे ये बताएं, नहीं नहीं अच्छा आप हाथ लगाएं तो, मेरा प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर है, मुझे बताएं, मुझे बताएं रंग बलोच बलोचिस्तान और इनके अलावा तहरीक कब शुरू हुई, तहरीक कब शुरू हुई बलोचिस्तान, मुझे बताओ बलोचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा कब बना, बलोचिस्तान जो थी रियासत वो थी वो 1947 में या 48 में वो रज़ाकराना तौर पे पाकिस्तान में जो है वो आपको छुपा कब बना, अच्छा मुझे नहीं पता, आप ठीक है, आप बलोचिस्तान हो गए, नहीं नहीं जवाब जवाब नहीं आया, आप बताएं छुपा कब बना पंजाब, बलोचिस्तान बलोचिस्तान छुपा कब बना, बलोचिस्तान छुपा वज़ीरे आला का नाम बता दें, आप मुझे वज़ीरे आला का, बलोचिस्तान छुपा कब बना पाकिस्तान का, बलोचिस्तान छुपा कब बना, आप बलोची किससे मिले, बलोचिस्तान देखें नाज़िम, ये देखें नाज़िम, मुझे बताएं कौन से हर बंदा मुझे टच नहीं करना, डोंट टच, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, अल्हम्दुलिल्लाह इन्हें ये भी नहीं पता, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये कह रही है पाकिस्तान क्या कहते हैं, आप ये कह रहे हैं पाकिस्तान डिस्प्यूटेड एरिया, आपको पता ही नहीं है, और थोड़ी सी स्टडी करके आओ, डिस्प्यूटेड नहीं है, अच्छा मैं यहाँ पे ये कहता हूँ, यहाँ पे एक बात खड़ी, अगर अगर ये अच्छा मुझे टच नहीं करना, आप मुझे टच नहीं करना, मैं अपनी भाई अगर पाकिस्तान का जो साइड कश्मीर है अगर डिस्प्यूटेड एरिया हो तो क्या करेंगे, नहीं है डिस्प्यूटेड, ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं, नाज़रीन अब मैं आपको बताता हूँ, अच्छा नाज़रीन ये अगर अगर कश्मीर डिस्प्यूटेड एरिया नहीं है तो मैं अपना चैनल, मैं तो कितनी बातों पे कह चुका हूँ कि भाई डिलीट किया जाएगा, इन्हें पता ही नहीं है, इन्हें पता ही नहीं है कोई किसी भी चीज का, लेकिन मैं यहाँ पे ये जरूर कहूंगा कि पाकिस्तान में ऐसे जो भेड़िए हैं जो पाकिस्तान का इमेज खराब कर रहे हैं, पाकिस्तान को एजुकेशन की बात नहीं करेंगे, हेल्थ की बात नहीं करेंगे, डेवलपमेंट की बात नहीं करेंगे, ये लोग हमेशा प्रोपेगेंडा करेंगे, और इस प्रोपेगेंडा को मैं एक्सपोज करूंगा चाहे मुझे जितना भी दबाया जाए, अब मैं ये मिशन प्रॉपर स्टार्ट करूंगा, पाकिस्तान जिंदाबाद, और इसके अलावा मुझे बताओ
कश्मीर नहीं दे रहा जवाब है ही नहीं, जवाब खत्म हो चुका है, ये भाग चुका है, ये भाग चुका है, मैं भागने नहीं, आपको दिखा दिया है हमने, आपको इसका मदारी आपको दिखा दिया। और फिर मैं ये भी क्लियर कर दूं कि ये वीडियो एडिट करके चलाएगा, पूरी वीडियो नहीं चलाएगा, लेकिन मेरे चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी पे जरूर ये करिएगा। अब मैंने प्रोग्राम प्रोग्राम हो गया आपका, जितने लोग मैं यहाँ पाकिस्तान के लोगों को अवेयर करके छोड़ूंगा और आप जैसे भेड़ियों को बेनकाब जरूर करूंगा। पाकिस्तान 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 ठीक हो गया। अब आपने मेरी वीडियो 15 पे कॉल कर दे प्लीज, ले जी अब ये अदारों को बुलाएंगे। और मैं यहाँ पे यही कहता हूँ, अब यहाँ पे ये बात बढ़ेगी, हम आगे लेके जाएंगे हम। अब आप भी बिल्कुल जी वो दूसरे कॉल करें, बिल्कुल जब कोई जवाब नहीं होगा, कोई बात नहीं होगी। इन्हें ये नहीं पता पाकिस्तान का हिस्सा है कश्मीर या नहीं, इन्हें ये नहीं पता बलूचिस्तान कब बना कब नहीं बना, किसका हिस्सा बना, इन्हें नई चीजें पता। और ये आगे हैं बात करने, ये चीजें हैं, जब तक ये चीजें डेफिनेटली यहाँ पे आएंगे, अदारे आएंगे और हम जरूर उनके साथ भी बात करेंगे, हम उनके साथ जरूर बात करेंगे, यही चीजें हैं। अब मैं यहाँ पे देखने वालों को जरूर कहूंगा कि ये बंदा अपनी वीडियोस को जिस तरीके से मैनिपुलेट करता है, पाकिस्तान में एजुकेशन के खिलाफ ये बंदा है, हेल्थ के खिलाफ ये बंदा है, डेवलपमेंट के खिलाफ ये बंदा है, नफरतों को। और पाकिस्तान में दो चीजें हैं, आप मजहब के नाम पे, मजहब के नाम पे और इंडिया के नाम पे जिसके मर्जी खिलाफ प्रोपोगंडा कर दो, बट अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं और मेरा मकसद हमेशा ये है कि पाकिस्तान को रिलेशन, मेरा मकसद यह है कि पाकिस्तान का इमेज बेहतर किया जाए, मेरा मकसद यह है कि पाकिस्तान में डेवलपमेंट आए, मेरा मकसद यह है कि पाकिस्तान के साथ इंडिया के रिलेशन बेहतर हो, लेकिन ऐसा ये नहीं करने देंगे, बट मैं ऐसा करके रहूंगा। ये मेरी नीयत है, ये मेरी सोच है और मैं इस सोच के ऊपर जितना पॉसिबल हुआ जरूर कोशिश करूंगा। ये अब जबकि जवाब नहीं है, किसी भी बात का नॉलेज नहीं है किसी भी बात का, तो फिर ये इस तरीके से ऐसा शख्स है जो पाकिस्तान के जो है एंटी स्टेट काम करता है और अनएथिकल बात ना करें, आप अनएथिकल ना बात करें, ये चीजें जब तक ये चीजें होंगी काइंडली अगर जब जवाब नहीं है भागो नहीं, भागने नहीं दूं। सर ये मेरा प्रोड्यूसर आपको लोकेशन बता रहा है, ये लोकेशन लिखवा दें, डाला आ रहा है जब जवाब नहीं डाला आ रहा है, डाले पे भी बैठेंगे, फखर से बैठेंगे, लहराते हुए बैठेंगे और जरूर हम इसके ऊपर काम पैसा करें। बताए ना जवाब दें, आपने तो बताए बलोचिस्तान का वजीर आला कौन है, बलोचिस्तान कब आप कब गए बलोचिस्तान, बलोचिस्तान आप गदर टू का भाईजान, बलोचिस्तान में जो हो रहा है उसके ऊपर बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए। ये बंदा कहता है बलूचिस्तान के ऊपर बात क्यों कर रहे हैं, अब आप इंडिया को अटैच करके पाकिस्तान में कौन सी दो चीजें हैं जिसके खिलाफ आप बात करके मुतनफर कर सकते हो, मजहब के ऊपर बात कर लो, इंडिया फिर बात कीजिएगा, बलूचिस्तान में जो है क्या बात करनी चाहिए, जो हो रहा है क्या बात, बलूचिस्तान में जो इसका चैनल देख के बात कीजिएगा, ये बताइए। मैं खुद बताता हूँ ना, मैं अपने चैनल पे इंडिया पाकिस्तान का कंटेंट करता हूँ, पाकिस्तान के साथ रिलेशन, इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करने की बात करता हूँ। सर इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर होने चाहिए या नहीं, इंडिया के साथ रिलेशन, इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर, माशाल्लाह पढ़े लिखे आदमी है, इंटरनेट है, इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर, हमें रियल एंटरटेनमेंट टीवी, आप सिर्फ एक खोल के एक बार सिर्फ एक दोस्तों वीडियो होगी खत्म। सबसे पहले तो मैं हम ये कहना चाहेंगे कि हम शेख चौधरी के साथ हैं, वी स्टैंड विद शेख चौधरी, और कंडेम करते हैं वो जो लाहौर रंग का जो एंकर बना फिरता, सो कॉल्ड अपने आप को एंकर कहता है, अगर वो एंकर रहते तो शेख चौधरी तो गद्दार है, ये कंटेंट बनाता है, सारा कुछ करता है, वो एक साइड पीछे से रखते हैं। ये बेगैरत जो है, ये जो है बड़ा, ये कितनी मरतबा गया जब अपना बलूचिस्तान के अंदर, या जो बलूचिस्तान के जो औरतें बेचारी मर रही हैं सर्दी के अंदर, गर्ल सड़ रही, उनके भाई, उनके बेटे, उनके हस्बैंड, उनके बाप उठाए गए, कितनों के साथ इसने जाके इंटरव्यू किया हुआ, कितनों ने आवाज उठाई उन बेचारों के लिए। ये डी फेम, वो सही कह रहा था शेख चौधरी, ये डी फेम करना हो तो उसको रहा के जट कह दो जो सच बोलता है, जिस किसी को डी फेम इसी बेगैरत में आए, ठीक है, रिबा इमरान के खिलाफ भी साजिश उसके पीछे ये लाके दौड़े ने लगा, लेकिन मैं उधर रहबा इमरान से मुखालफत करता हूँ, वो भागना उसको नहीं चाहिए था, थप्पड़ खींच कर भागना यार, क्या उसके साथ टीम नहीं थी उसको खींच कर, सही है। हाँ एक चीज हो सकती है कि वो अपनी इज्जत बचा के शायद चली गई हो, कि अब ये जुर्मत का ये इकट्ठा हो, इज्जत का मसला था यार, ये देखें ये इतना बड़ा मैनेज के जो वीडियो मैं देखता रहता हूँ, ये पता है ये ना मतलब के लोग
लोगों को पकड़ लिया, कहीं पुलिस वालों से बातचीत करी, बस इतना इसका काम है। ना कभी कराची में गया वो जो मंदिर का मसला था हिंदुओं का, सिंध में ना बलूचिस्तान में, कहीं भी नहीं है। सिर्फ लाहौर में रहता हूं और अपने आप को एंकर समझता हूं, मैं बहुत बड़ा एंकर बन चुका हूं। हकीकत में शुएब चौधरी पूरे पाकिस्तान में तकरीबन जाते हैं, जहां पर भी कोई मसला मसाइल होता है तमाम कम्युनिटी के लिए इक्वल है, मुसलमानों के लिए, क्रिश्चियन के लिए, हिंदुओं के लिए। ये तो भाई हमने खुद वो नारा नहीं लगा रहा होगा पाकिस्तान जिंदाबाद यार, वो पाकिस्तानी तुमने लगाना है, क्यों नहीं लगाना तो यार ये क्या है, ये पता नहीं क्या है इसकी, ये मैं तो मुझे तो लगता है इसको जलन फील हो रही है, जलन है। और खुद को जो है ना मशहूर करना चाहता है कि मैं एक बहुत बड़ा सच्चा पाकिस्तानी हूं। ये इसने कैरियर खत्म किया रिबा इमरान का, अब इसकी सोच है कि मैं आस्ता आस्ता जो मेरे कंपटीटर्स हैं, क्योंकि थोड़े अरसे में अपना शुएब चौधरी को इज्जत ज्यादा मिल गई, ये लगा हुआ है सदियों से शुएब चौधरी लगा, एक दो साल भी हुए आए इस मीडिया इंडियन जनता की तरफ, तो देखो उसके सब्सक्राइबर व्यूअर कितने और कितने चाहने वाले इंडिया के। बिल्कुल सच बात करते हैं, आप खुद भी तो कह रहे हैं कि शुएब बहुत अच्छा काम करते हैं, हकीकत सामने लेकर आते हैं। अच्छा वो क्या कह रहा था कि पाकिस्तान को इंडिया जो मैली आंख से देखेगा तो हम नहीं छोड़ेंगे, यार वो पुरानी बात थी किसी पिटी जो हमारे पुराने लोगों के जज्बात से खेल रहा था। इस तरह हम इंडिया के अंदर कुछ ऐसे बंदे हैं जिनको हम बड़ा पसंद करते, वैसे तो कॉफी बहुत ज्यादा है, खान सर हो गए, अलोक सर हो गए, अंकित सर है, ओजा सर है, वर्ल्ड फेयर वाले भाई है, हम उनको अच्छा मतलब उनकी वीडियो ज्यादा देखते हैं, हमें वो अच्छे लगते हैं। इसी तरह इंडिया में शुएब चौधरी जैसे बंदे हैं उनको इंडिया वाले भी फॉलो करते हैं, जो हकीकत बताते हैं, जो हकीकत असली चेहरा दिखाते हैं। तो इसमें दो नंबरी कैसे हो गई, इसमें एजेंटों वाला कौन सा काम आ गया, मुझे इस भाई की समझ नहीं आई जो शुएब चौधरी को कह रहा है डाला आ गया, डाला आ गया, पुलिस आ गई, पुलिस क्या करे, पुलिस ने आज किए क्या पाकिस्तान में, पुलिस ने उनको पकड़ा जो सच बोलते हैं, जो सच बोलते हैं, फौज ने उनके पीछे पीछे किया पकड़ा जो सच बोले एंकर इमरान रियाज, सबसे बड़ी इमरान रियाज ठीक है, और इमरान रियाज कुछ नहीं, अर्शद शरीफ का नाम लो, वो तो इमरान खान का नाम लो, वो एस्टैब्लिशमेंट भी तो वो ही करती है, ये उनके पले पलाए छोटे मोटे मैं तो गुंडे कहूंगा, गुंडे यार खिलाफ कुछ ऐसी कोई एजेंसी की बात लीक कर दी है, क्या कर दिया उसने भाई, कुछ भी नहीं किया सर, ये कहता डेवलपमेंट करोगे, बाबा जी से भी पूछा क्या इंडिया के ट्रेंड पर काम करना या हकीकत, बाबा जी ने कहा कोई इशू नहीं है, आप बात करें जिस पर मर्जी बात करें, पर सच हो तो सच के साथ दे। पढ़ा लिखा मुझे तो शक हो रहा है इसकी तलीम पर भी, ये मुझे तो नहीं लगता कि पता नहीं ये जाहिलों वाली बातें कर रहा है, कोई इसको पता ही नहीं है कैसी बातें यार कर रहा है। शुएब चौधरी गलत कौन सा बोला, कोई सबूत भी तो फिर पेश करता ना, कोई सबूत नहीं, सबूत भी नहीं है कोई, बस ये कहता तुम इंडियन एजेंट हो, फिर किस बना पर ये कह रहा है उसको इंडियन एजेंट हो, मैं इस जगह पर होता यकीन करे दो तीन थप्पड़ लगाने थे मुझे, अभी वीडियो देखकर बड़ा गुस्सा आ रहा है यार वाकई वो शुएब, हाँ यार वो क्या है शुएब चौधरी इतना अच्छा काम कर रहा है और उसको बगैर फिर या तो सबूत भी हो ना फिर भी बात है, बगैर फैक्ट के बगैर सबूत के उसको आपकी बात ही नहीं करनी चाहिए थी, और ऑन कैमरा वो कर रहा है और लोग उसको पता है कि जो लोग हैं वो इंडिया के खिलाफ हैं और अपने हैं, उसको पता है मैं बात करूंगा इसको एजेंट कहूंगा तो लोग इसके खिलाफ। एक भाई ने कहा वो उसने कहा भी आप इंडिया के कंटेंट पर क्यों बात करते हो, आप पाकिस्तान का पॉजिटिव चेहरा दिखाओ, मुझे ये दिखा दो पाकिस्तान है ही नहीं पॉजिटिव चेहरा, वो तो दिखा है वो बेचारा यार, पूरा पाकिस्तान पॉजिटिव है पांव से लेके सर तक, नजर नहीं किसी को आता, टू नंबर जो है ना पॉजिटिव है यार, कंडेम करते हैं भाई इसको, हम शुएब भाई के साथ हैं जो हमसे सपोर्ट हो सके यार, यार जो भी बंदा हो ना वो अगर हकीकत बताता है ना, हकीकत शो करता है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी दूसरे मुल्क का एजेंट हो, जैसे ये भाई कह रहे हैं, मुझे तो ये ऐसे ही लौंडा लपाड़ा लग रहा है, इसका अपना चैनल तो ग्रो नहीं कर रहा, लेकिन जिसका चैनल ग्रो कर रहा है उसके पीछे हाथ धो के पड़ चुका है ताकि हमें भी कोई उस वक्त फेम मिल जाए उसके जरिए से, यही चाहता है उस वक्त रिबा जब इसने ये था तो मुझे यही शख्स था सेम रिबा का जब चैनल ग्रो कर रहा था सबसे ज्यादा ऊपर जा रही थी रिबा उस वक्त, तो उस वक्त इसने उसको डीफेम किया तो वो उसका करियर इसने तबाह किया, लेकिन आगे अब शुएब चौधरी है, अब इसने पंगा, अब टक्कर बराबरी की है
उसको कुछ डर नहीं है, उसका लहजा भी बता रहा था उसने। ये जो डाला मंगाया ये तो अभी हम भी कॉल करें उसी वक्त आ जाना इमरजेंसी की सूरत में, तो फिर उसने जो करने वाला दूसरे को लेकर जरूर जाना है। यही बात करना चाहेंगे कि हम शोएब चौधरी के साथ खड़े हैं और उनको यही कहेंगे कि आप सच पर और ठीक काम कर रहे हो और करते रहो। बस इतना ही वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह।